नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कैथल में घुला के विधायक ईश्वर सिंह एक समाज सेवी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। समाज सेवी जगजीत सिंह के द्वारा पूछे गए सवालों से विधायक जी भड़क उठे। समाज सेवी जगजीत सिंह ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को असंवैधानिक तरीके से लगाने पर घुला से जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज सेवी जगजीत सिंह ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की आड़ में कुछ लोग करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हड़पने की फिराक में हैं और इन लोगों को स्थानीय प्रशासन व नेताओं का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त है। जगजीत सिंह ने विधायक ईश्वर सिंह से मिल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीखा के कैथल रोड की तरफ वाली सड़क पर किए जा रहे निर्माण को लेकर सवाल पूछे और विधायक से इस निर्माण को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की मांग की। समाज सेवी जगजीत सिंह ने स्कूल की जमीन पर किए जा रहे निर्माण को लेकर जब विधायक ईश्वर सिंह से बात की तो विधायक ने भड़कते हुए कहा कि मुझसे पूछने वाले तुम कौन होते हो। इस पर जगजीत सिंह ने जवाब में कहा कि सरकारी जमीन पर शहर में कहां क्या बनाया जा रहा है, इसकी एक आम नागरिक होने के चलते जानकारी रखना मेरा पूरा अधिकार है। जगजीत सिंह के मुखर अंदाज को देख विधायक के तेवर ढीले पड़ गए और कहा कि आप लिखित में दो, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जिसके बाद समाज सेवी जगजीत सिंह ने एक लिखित पत्र विधायक को सौंप निर्माण कार्य को लेकर सरकारी मंजूरी होने वाले खर्च को लेकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि समाज सेवी जगजीत सिंह ने इससे पहले मौके पर जाकर कब्जे की जमीन भी देखी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौके पर भी समाज सेवी जगजीत सिंह मौजूद है, जिसे लेकर जगजीत सिंह ने विधायक से सवाल पूछे कि किसकी इजाजत से यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसे सुनकर विधायक जी भड़क उठे। पहले आप भी देखिए विधायक ईश्वर सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच हुई कहासुनी का यह वीडियो। आपको पता है कि किसी चीज को सरकारी प्रॉपर्टी को दूसरे कहीं ट्रांसफर करने के लिए इसके लिए प्रोसेस होता है, बकायदा मंत्रिमंडल में पास होता है, विधानसभा में पास होता है। और आप एक गोपी चांदे को गिद्ध चिट्ठे के सहारे वो इसी कब्जा करवा रहे हैं। मतलब ये है कि ये स्कूल की प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाया जा रहा है, ये यहाँ कब्जा है, पता नहीं किस चीज का, कुछ शोरूम वगैरह पता ही नहीं कब्जा क्या। जब भी तो मैं यही कह रहा था अज्ञात लोग वहाँ कोई है नहीं मौके जिम्मेवार, जो लेबर है लेबर कहते हैं हमें पता नहीं कौन जिम्मेवार है, पैसा कहाँ का। आप मेरे से जो दो बात कर रहे जो है ना, मैंने हमें ये कहते हैं भी वो बताया जाए कि क्या चीज कर रहे हो। आप किस हैसियत से पूछ रहे हो, पब्लिक की हैसियत पूछ रहे, मेरा राइट है, मैं नागरिक हूँ यहाँ का। लिखकर दे दो, मैं उसका जवाब दे दूँ। आप लिख कर दोगे ना, उसका मैं जवाब लिख में दे दूँ, जरूर देंगे आपका जवाब। ना का मतलब मैं ऐसा कच्चा आदमी नहीं। सर ऐसा है, बगैर परमिशन से स्कूल की जमीन पे कब्जा करवाया जा रहा है। ना मैं तो कह रहा हूं मीडिया के सामने, मैं मीडिया जाने, मैं जाने, जब पूछेंगे तो जवाब। मीडिया जाने आप जाने, मैं तो पब्लिक का ही पूछ रहा हूँ सवाल। तो कल ही पब्लिक है तो, और भी है पब्लिक के, तो और तो पता नहीं, वो नहीं वो बोल सकता, मैं तो बोल रहा हूँ ना। फिर कोई बात नहीं, किसी ने तो सवाल करना है ना, इसका मतलब सवाल करने के बाद लिखकर दिए उसका जवाब मैं लिख में। ठीक है जी, पत्रकार साथियों, ये तो अपना विधायक जी जवाब नहीं, अपना विश्वास सब पूछते हैं, जवाब नहीं दे रहे, लिख के ऐसा है। मैं लिख के भी देता हूँ, मैं लिख के भी देता हूँ, मैं लिख के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। कुर्सी के नशे में चूर विधायक जी की बदसलूकी आपने देखी कि वह एक समाज सेवी के सवालों का जवाब किस तरह से दे रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि तुम मुझसे सवाल पूछने वाले कौन होते हो। क्या समाज सेवियों और आम जनता को नेताओं से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, या इन्हें आम जनता के साथ बदसलूकी करने का पूरा अधिकार है? अब आगे देखना यह होगा कि समाज सेवी जगजीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की कार्यवाही होती है या नहीं। इसके बाद पत्रकारों के साथ बैठक में विधायक जी के फिर से बोल बिगड़ गए, जिसमें विधायक पत्रकारों के साथ बदतमीजी के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुने आप कि कैसे विधायक पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब इसे विधायक की अकड़ कहें या कुर्सी का नशा। जैसे बाबा साहब के बारे में लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे, लेकिन वहाँ यदि लाइब्रेरी नीचे हो, किस अखबार का पत्रकार? मैं पंजाब के,
तो फिर आप जो है पूछ कह रहे नहीं क्वेश्चन जो आया सर पूछ कह रहे हो आप, मैं क्वेश्चन वही पूछा जी, पूछना चाहता हूँ सर एक बार, नहीं हमारा काम है सर क्वेश्चन करना। आपने ये यहाँ जो बन रहा है यहाँ पर बाबा साहब की जो यहाँ मूर्ति लगने वाली है, बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली है, हाँ मूर्ति बाबा साहब तो मूर्ति इसके खिलाफ थे सर। ये बाहर जाकर के दिल्ली की जो है विधान सब पार्लियामेंट में बताओ कौन खिलाफ थे। इस देश के अंदर कोई शहर नहीं जिसके कोने के अंदर मूर्ति नहीं है, इसका तो धन्यवाद करना चाहिए लोगों को एक अच्छी काम करने के लिए जा रहे। प्रतिमा लगाना अम्बेडकर की तो बहुत बड़ी बात है, वो कोई छोटा काम नहीं है। आप जो है ना, मैंने परचेज सेंटर की जो बात दूसरी ये बताई, ठीक है, कि हमारी दो मंडी है यहाँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.